भाई तंदूरी पनीर टिक्का किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है, सबको मजा आता है खाने में भाई, और भाई स्वाद भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब घर में आप बनाने की बात आती है तो भैया सबके हाथ खड़े। इस तरह का सुंदर सा पनीर टिक्का और आसान तरीके से मैरिनेशन में क्या डालना है, मैरिनेट कैसे करना है, वो थोड़ा सा हमने अलग किया है और होटल से भी अच्छा मैरिनेशन और मैरिनेट किया है दोस्तों। तो आज हम बनाते हैं पनीर टिक्का तवे के ऊपर, वो भी घर में आसान तरीके से। तो दोस्तों जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर टिक्का, वो भी घर में आसान तरीके से। भाई मैरिनेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया करना है हमें, तभी पनीर टिक्के का मजा आएगा। 7 से 8 मैंने साबुत लाल मिर्च ली है सूखी हुई, और उसमें डालते हैं हम गरम पानी। बस गरम पानी इसलिए डाल रहे हैं कि जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसका पेस्ट बनेगा, इसके साथ साथ क्या पेस्ट बनेगा, इतना तीखा नहीं बनेगा, कई चीज़ बनेगी। तो बस इस पर ढक्कन लगाए थे, 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। गैस का फ्लेम करते हैं हम ऑन, और इसके ऊपर हम रखते हैं शिमला मिर्च। लाल रंग की शिमला मिर्च रखनी है हमें, ग्रीन कलर की नहीं करनी है, क्योंकि जो लाल रंग होता है वाइट के ऊपर, और मैरिनेशन भी लाल रंग का ही होता है। तो बस इसे हमें सेक लेना है, मीडियम स्लो फ्लेम के ऊपर हम सेक रहे हैं इसको, अच्छी तरह से हमें इसे सेक लेना है दोस्तों। बहुत ही शानदार रेसिपी बनेगी, और घर पे बना सकते हैं पनीर टिक्का, इतना आसान तरीका है। तो बस ये शिमला मिर्ची हमारी पूरी सिक चुकी है, ये देख लीजिए आप, अच्छी तरह से इसी तरह जला जला के सेकना है, जैसे हम बैंगन का भरता बनाते हैं। तो बस इसको यहाँ से हटाते हैं हम लोग, और इसे एक बॉल में रखते हैं, और बॉल में रखने के बाद दोस्तों इसके ऊपर लगा देते हैं हम एक ढक्कन, जिससे कि ये और जितना भी हो सॉफ्ट भी हो जाए और ठंडी भी हो जाए। जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम हमारी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक पैन लेते हैं, छोटा पैन आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं डालता हूँ 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, और 1 टीस्पून इसमें जीरा, साबुत जीरा, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। बस इन्हें हमें सेकना है, इसलिए सेकना है कि इसका मॉइस्चर चले जाए, और इसके अंदर एक सौंधी सौंधी जो सेकने के बाद खुशबू आती है ना दोस्तों, ये बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम पे ही सेकेगा दोस्तों, हाई फ्लेम पे मत सेकेगा वरना मसाला जल जाएगा। तो बस मीडियम स्लो फ्लेम में 1 या 2 मिनट हमें सेकना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस ये देखिए कलर चेंज हो चुका है, सिक चुका है। बस यहाँ फ्लेम करते हैं हम बंद, इसे रखते हैं हम साइड में, और वापस से आते हैं हमारी शिमला मिर्ची जो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से सेक ली थी। इस तरह से इसकी ऊपर की जितनी भी स्किन है वो हम हटा देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि वो उसके अंदर पूरी वो जल चुकी है, तो बस वही हमें हटानी थी। फ्लेवर आ चुका है इसके अंदर स्मोक का, और बस इसे हम काटते हैं। और काटने के बाद दोस्तों जो अंदर का पोर्शन है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, अंदर का पोर्शन है ये हमें हटा देना है। इसका बीज हमें नहीं रखने हैं, बीज हम नहीं रखेंगे इसके अंदर, खाली हमें पूरी इसकी स्किन चाहिए। तो बस ये हम आराम से इसको देख लीजिए हटा देते हैं, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है तो काटने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो बस ये एक पीस मैं आपको काट के दिखाता हूँ, बस ये इस तरह से इसके जितने भी बीज हैं वो हम हटा लेंगे और सारे पीसेस हम इसके काट लेंगे। तो चलिए दोस्तों ये मैंने सारे पीसेस काट लिए हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक मिक्सी का जार लेते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं हमारी लाल रंग की शिमला मिर्ची, और हमारी जो लाल मिर्ची थी सूखी हुई जिन्हें हमने गर्म पानी में डाला था वो डालते हैं। इसके बाद डालते हैं हमारा सिका हुआ मसाला जो हमने रोस्टेड मसाला जो बनाया है, मतलब साबुत ही है वो, और 7-8 कलियां लहसुन की डालते हैं इसके अंदर। और इसके बाद डालते हैं हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक, या फिर स्वाद के अनुसार जैसा भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। और बस इसके अंदर भाई नींबू जरूर डालना है, क्योंकि इसका फ्लेवर जो आएगा ना भाई नींबू से ही आता है। तो बस इसके अंदर 1/2 नींबू हम डालते हैं, ये देसी स्टाइल से मैं डाल रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह से नींबू डालने के अंदर। तो बस तो और 1 चम्मच पानी, बस इसको क्या करना है वो तो आप भी समझते हैं करना क्या है। बस बिल्कुल तैयार है हमारा पेस्ट, कंसिस्टेंसी आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल पतली नहीं रखनी है, इस तरह से गाढ़ी रखनी है कि भाई मैरिनेट भी तो करना है ना, मैरिनेशन ही तो करना पड़ेगा ना इसके अंदर। तो बस अब क्या करते हैं हम, इसको लेते हैं हम एक बॉल के अंदर इस मैरिनेशन को पूरा, और बस अब यहाँ पर हम लेंगे, ये देखिए मैंने लिए हैं पनीर, इस तरह से मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में काटा हुआ है। अब आप बोलोगे सिंह भाई इतने बड़े बड़े टिक्के बनाओगे क्या, नहीं भैया इतने बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन ये है ना इसकी जो साइज है वो इस तरह से रहेगी दोस्तों। तो बस इतने बड़े हम काट लेते हैं अभी तो, और बस मैरिनेट करना है, बाकी आगे बताऊँगा कि इसके स्लाइस कैसे करने हैं। तो बस ये हमने पनीर डाला, और मैरिनेशन के लिए इसको अच्छी तरह से हमने, अभी बॉल छोटा है तो इसलिए मैं 3 पीस ही डाल रहा हूँ। तो बस इसके बाद इसको अच्छी तरह से हमें मैरिनेट करना है, और इसे रखना है हमें 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट, और मैक्सिमम चाहे 1 घंटा रखें 2 घंटा रखें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये मैरिनेट हो चुका है, इसे हम 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं।
तो बस ये हमारा 15-20 मिनट के लिए गया वहाँ पर, और दूसरी तैयारी जब तक वो हमारा मैरिनेट होके तैयार होता है दूसरी तैयारी करते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेते हैं हम, एक बड़ा चम्मच ऑयल पैन के ऊपर, और बस इसको थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। भाई गरम करना जरूरी है ना, तो बस इसको गरम करते हैं। यहाँ पर फ्लेम दोस्तों खास तौर से बता रहा हूँ स्लो रहेगी। बस ऑयल हमारा गरम हो चुका है, स्लो फ्लेम के अंदर ही हमें इसे पकाना है। और ये हमारा जो मैरिनेट हुआ हुआ पनीर जो अब टिक्का बनेगा, तो बस ये रखते हैं और इसे दोस्तों हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। और यहाँ पर आप चीज़ एक ध्यान रखिएगा, इसमें चाहे 3 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, जितना भी टाइम आपको लगे, लेकिन पकेगा ये स्लो फ्लेम के अंदर ही। तो बस इसी तरह से इसको हम पकाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे कि ये नीचे वैसे चिपकने वाला है नहीं है, स्लो फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो बस इसको हम पकाते हैं। तो अभी मैंने इसको पकाया है 3 मिनट के लिए, तो सबसे पहले इसको पलट के देखते हैं। ये देखिए कलर आना चालू हो गया है ना, खुद ही देख लीजिए आप। तो बस इसकी साइड एक बार हम पलट देते हैं, हमें चाहे 2-3 बार पलटनी पड़े साइड, लेकिन हमें जो कलर चाहिए और जो ऊपर से क्रिस्पीनेस और अंदर से सॉफ्टनेस चाहिए, उसके लिए हमें इसे पकाना पड़ेगा। तो ये मैंने साइड चेंज कर दी है, इसे भी हम पकाते हैं कम से कम 4 से 5 मिनट या जो भी टाइम आपको लगे। तो बस ये मैंने यहाँ पर पकाया 5 मिनट। अब 5 मिनट बाद आप देखिए इस तरह से बिल्कुल, आप देखिए बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी होता जा रहा है ये। मैं वापस पलट देता हूँ और इसी साइड को हम वापस से पकाएंगे, क्योंकि पहले हम पका चुके थे, लेकिन हमें इस तरह का ऊपर से क्रिस्पीनेस चाहिए और कलर भी इस तरह से चाहिए, इससे डार्क भी होगा तो चलेगा दोस्तों। तो बस ये देखिए आप, ये मैंने पका चुका हूँ। अब थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं इसके अंदर, वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ। बस इसके ऊपर रखते हैं हम कोयला, और कोयले के बाद थोड़ा सा एक बूंद देसी घी, और ये हमारा हो गया स्मोकी फ्लेवर। भाई टिक्के के अंदर अगर स्मोकी फ्लेवर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, और घर में बना रहे हैं तो हमारे पास तंदूर होते नहीं है रेस्टोरेंट की तरह। तो बस इसे 2 से 3 मिनट तक स्मोक करना है, और बस इसको हटाते हैं, और यहाँ से जो फ्लेवर और खुशबू आपके पास आएगी ये देखिए आप, है ना अमेजिंग दोस्तों। बहुत आसान है ना, कितना आसान, लेकिन हम सोचते हैं भैया कोई रॉकेट साइंस होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अब करते हैं खाने की तैयारी। तो बस इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पीसेस कट करके तब मैं ये यहाँ पर रख रहा हूँ, वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए आप, कैसे भी आप पीस करना चाहें वैसे कर लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा घर का बना हुआ स्मोकी या तंदूरी पनीर टिक्का। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।